फर्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से 11 का क्लास स्टार्ट है ना। 11 का फिजिक्स पढ़ाएंगे। मेरा नाम रामकृष्ण सिन्हा है और मैं बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट में सिलेबस जो है क्या क्या है वो एक बार सुपरफिशियली बता देते हैं। 11 11th में एक आएगा मैकेनिक्स पार्ट वन में आप मैक्सिमम चीज वही पढ़ेंगे जो आप क्लास 9th में पढ़े। मैकेनिक्स पार्ट वन सबसे फर्स्ट चैप्टर इसमें आता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है यूनिट होता है। जैसे पढ़े हो गए पहले SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है ना, और सबका यूनिट निकालेंगे। एक नया चीज आएगा डायमेंशन, ये नया चीज आएगा आपके लिए। डायमेंशन होगा कैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये फिर उसमें कुछ मैथ्स का पार्ट है ना। फिर नेक्स्ट आता है वेक्टर। वेक्टर आप क्या पढ़े कि वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसका लॉ कैसे होता है ना। अब इसमें हम लोग नया चीज सीखेंगे कि कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा चीज इसमें हम लोग सीखेंगे। वेक्टर थर्ड चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में आपको यहां पे दो चीज पढ़ा जाएगा, एक मोशन इन वन डायमेंशन जो आप 9th में पढ़ के आए हैं, जिसमें फॉर्मूला तो याद होगा s = ut + ½ g² = u + at। वो यहां पे फिर से आपको पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन है, जैसे ये वन डायमेंशन मोशन है ना, एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा सीधा, मतलब सिंपल में भी स्ट्रेट लाइन है। और इसमें आएगा काइनेमेटिक्स में मोशन इन टू डायमेंशन भी। टू डायमेंशन मतलब जैसे एक से अधिक डायरेक्शन में अगर जाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल ऐसे घूमता ऐसे जाए, यानी एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा और साथ साथ वाई ऐसे जा रहा है, इसका क्या हो गया आगे ही बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो एक्स और वाई दोनों चेंज करा फिर नीचे आया, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन। तो वो इसमें पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। फिर आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत फेमस है न्यूटन्स लॉ, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें पूरा न्यूटन्स लॉ सीखेंगे, फ्रिक्शन सीखेंगे, फ्रिक्शन बीसी का पार्ट है, न्यूटन्स लॉ का ही पार्ट है। फिर इसमें सीखेंगे सर्कुलर मोशन कि कोई भी चीज सर्कल में कैसे घूमता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब। गाड़ी जब हम लोग मोड़ते हैं तो क्यों झुक जाते हैं, है ना, ये सारा चीज इसमें हम लोग सीखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। फिर इसमें आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, चार चैप्टर आएगा इसमें। और कोलिजन, कोलिजन मतलब जब एक बॉल दूसरे बॉल से धक्का मारेगा तो क्या होगा, धक्का लगने पर हेड ऑन कोलिजन होगा तो क्या होगा, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक मतलब अलग अलग डायरेक्शन से अगर आता है तब धक्का लगेगा तो क्या होगा, तो ये होगा ऑब्लिक कोलिजन। ये सारा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। सेंटर ऑफ मास, कहां पर बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होगा, तो ये बेसिकली मैकेनिक्स पार्ट वन का पार्ट होगा, है ना, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मेनली इतना ही यहां पे। फिर आता है मैकेनिक्स पार्ट टू, मैकेनिक्स पार्ट टू में आपको अब नया नया चीज आएगा, इसमें आएगा ग्रेविटेशन, थोड़ा सा इसमें आप पढ़े भी हैं ग्रेविटेशन के बारे में।
पूरा कंप्लीट इसे पढ़ना है, ग्रेविटेशन कि कैसे काम करता है, दो मास क्यों अट्रैक्ट करता है, कैसे सेटेलाइट घूमता है, कैसे सेटेलाइट भेजते हैं, कितना वेलोसिटी रेंज जो कि वापस नहीं आएगा, ये सारा चीज ये ग्रेविटेशन आएगा। फिर आएगा इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मैकेनिक्स टू जो है ना आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो इसी से रहता है। ट्वेल्थ में जो है, जब आप ट्वेल्थ में जाएंगे तो आपको मैकेनिक्स टू का बहुत ज्यादा यूज होना है। ये फंडामेंटल है, ये बेसिक एक तरह से आप सोचिए, यानी बिना इसके आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट ज्यादा होता है, लेकिन ये बेसिक बोलते ना फिजिक्स में बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये पूरा बेसिक स्ट्रांग होगा तभी ये चीज समझ में अच्छे से आएगा, है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें हम लोग स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, ये सब सीखेंगे, स्प्रिंग कैसे काम करता है, स्प्रिंग का क्या टाइम पीरियड होगा। फिर थर्ड चैप्टर आता है रोटेशनल मैकेनिक्स, यानी यहां पर हम लोग सीखेंगे कोई भी अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड मतलब जिसको तुम टेढ़ा बेढ़ा नहीं कर सकते, रिजिड है ठोस जिसको बोलते हो, तो किसी भी बॉडी को अगर रोटेट करेंगे जैसे इसको घुमाना, चाहे ऐसे घुमाए या ऐसे घुमाए, तो कहता है कि इसको घुमाने में कितना परेशानी होगा वो पता करो, वैसे उसी परेशानी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब किसी भी चीज को घुमाने में कितना परेशानी होगा वो सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे टॉर्क, टॉर्क आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, जब भी कोई भी चीज सीधा ले जाना होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स, बोलते थे ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी सामान अपने जगह से तभी हिल सकता है जब कोई ना कोई ताकत लगाए, लेकिन ये लीनियर मोशन है, फोर्स होता है किसी भी चीज जिससे ताकत लगे सीधा चलेगा, लेकिन कोई भी चीज को अगर घुमाना है रोटेट करना है तो वहां पे फिर से न्यूटन्स लॉ ही आता है और उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ रोटेशन। यहां पे मोशन लिखा हुआ है, रोटेशन आएगा, कहता है कोई भी चीज अगर रोटेट करेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क, यानी बिना टॉर्क का कोई भी चीज नहीं घूम सकती। जैसे सिंपल हैंडपंप है, अगर आप ऐसे ताकत लगाएंगे कभी नहीं घूमेंगे, ऐसे चला चलता है कि हैंडपंप। स्क्रू ड्राइवर दाबते रहिएगा, फोर्स लगाते रहिएगा, नहीं स्क्रू लूज होगा या टाइट होगा, घुमाना होगा तो रोटेट कराने के लिए आपको टॉर्क का जरूरत पड़ता है, तो वो टॉर्क इसी चैप्टर में सीखेंगे। दूसरा हम लोग सीखेंगे कोई भी गाड़ी अगर रोड पे चलता है, तो कोई भी गाड़ी अगर रोड पे चल रहा है तो उसके लिए क्या होगा, तो वहां पे सीखेंगे कि आखिर कैसे स्कीड करता है, क्यों स्लिप करता है, और एकदम सही सलामत चल रहा है, एकदम सही से गाड़ी चल रहा है, ना स्कीड कर रहा है ना स्लिप कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो वो भी इसी चैप्टर में। ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, तो ये तीन आएगा। फिर आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें आप पढ़ेंगे लिक्विड और गैस दोनों के, इसका मतलब लिक्विड और गैस दोनों हो गए, लिक्विड और गैस दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ कैसे काम करता है। फिर इसमें एक दो चीज और सीखें, कई बार सुनते हो ना गणेश जी दूध पी रहे थे, है ना, आता है कि कोई ये भगवान दूध पीने लगे, ये खाने लगे वो, तो उसमें आता है कॉन्सेप्ट सरफेस टेंशन का, है ना, तो वो सरफेस टेंशन भी इसी का पार्ट आता है ना, क्या कि कैसे वो होता है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स, उसकी ये मैकेनिक्स का मेन पार्ट होता है, चार इसमें भी चार इसमें भी। अब आता है अलग सा वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स मतलब साउंड, यानी यहां पे हम लोग साउंड के बारे में पढ़े,
पूरा कंप्लीट साउंड इससे लिंक होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिंक होता है। साउंड कैसे काम करता है, कोई भी स्ट्रिंग होता है उसमें कैसे बजता है, गिटार कैसे काम करता है, कोई भी अगर आप लोग बांसुरी जाता है ऑर्गेन पाइप है ना, फ्लूट में कैसे काम करता है वो सारा चीज है ना। इसमें फिर हम लोग बड़ा चक्कर है कि साउंड इसमें एक है कि ये सारा चीज साउंड वेव जैसे आ पाएगा आपके 12th में सेम चीज लाइट वेव आएगा। कैसे साउंड क्रिएट होता है, कैसे साउंड आगे बढ़ता है, क्यों हम लोग सुन पाते हैं, कैसे एयर टू एयर आगे बढ़ता है, ये सारा चीज उसमें सीखना है साउंड वेव में है ना। यानी साउंड कैसे, वेव कितने तरह का होता है, साउंड कैसे हम लोग के पास कान में आता है, साउंड कैसे आगे बढ़ता है, ये सारा चीज इसमें सीखना है। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट का पार्ट है। तो इसमें पढ़ेंगे पहले एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो तुम पढ़े होगे पहले कि कोई भी रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ा जगह छोड़ा जाता है तो वो क्यों छोड़ा जाता है, वो पार्ट ऑफ एक्सपेंशन होता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि वाटर हो या कोई भी हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में कितने हीट, जैसे आइस से अगर कन्वर्ट करना स्टीम तो कितने हीट का जरूरत पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट जो हम लोग पढ़ते थे 9th क्लास में 9th। लेकिन मेन पार्ट आएगा इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी आपको थर्मोडायनेमिक्स आएगा और एक आएगा हीट ट्रांसफर कि कैसे हीट ट्रांसफर, जैसे अगर यहां पे इसको गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे इधर भी गर्म होता है तो ये कैसे यहां से यहां आता है, तो ये हीट ट्रांसफर भी इसमें पढ़ेंगे। तो ये पूरा बेसिकली हम सुपरफिशियली बताएं कि कैसे कैसे आपका सिलेबस है, इस तरह से पूरा कंप्लीट जो होगा आपका होगा। मेनली आता है स्टार्टिंग से, हम लोग कोई भी चैप्टर को स्टार्ट से करेंगे तो धीरे धीरे करके है ना, यूनिट्स है ना। तो यूनिट पे आते हैं सबसे पहले कि यूनिट आखिर किसको बोलते हैं, कितने कितने तरह का यूनिट होता है ना। नेक्स्ट क्लास में मेनली स्टार्ट करें है ना, पूरा कंप्लीट है ना। तो यूनिट जो होता है उसका जरूरत हम लोग को इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत पुराने जमाने में अगर देख पाएंगे तो ये तो पक्का है कि पुराने जमाने में मेजर करने का, नापने का कोई चीज तो होगा नहीं, तो नापने के लिए मेजर करने के लिए धीरे धीरे करके सिस्टम जनरेट किया गया। जैसे अभी कोई भी चीज अगर हमको देखना है तो तुरंत हम लोग टेप लेते हैं और पता कर लेते हैं, लेकिन पहले कोई टेप तो नहीं होगा, कोई रस्सी से या कोई भी चीज से हाथ से मेजर करके हम लोग करते होंगे। तो रस्सी से या हाथ से अगर मेजर करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो एक्यूरेसी के लिए क्या हो गया, निर्माण हो गया है ना, तो डिस्कवर किए उसको हम लोग। तो सबसे पहला सिस्टम जो दुनिया में आया यूनिट यानी नापने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ा वो आया FPS सिस्टम। F का फुल फॉर्म हो गया फुट। कई बार लगता है फुट और फीट अलग अलग है या एक है, तो देखो फुट और फीट एक ही चीज है। मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच है या कोई बोले मेरा हाइट 5 फुट 7 इंच है, एक ही चीज है, फुट और फीट एक ही चीज है। ऐसा नहीं, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सिंगुलर है और प्लुरल है, तो यूनिट में सिंगुलर और प्लुरल नहीं होता है। कभी देखो कि 5 मीटर्स लिखा होगा, 5 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, है ना। तो फुट और फीट एक ही चीज है, शॉर्ट फॉर्म है, फुट का शॉर्ट फॉर्म में तुम बोल सकते हो फिट। पी फॉर पाउंड, एक्चुअली पाउंड जो है उसका फुल फॉर्म पाउंडर होता है, शॉर्ट फॉर्म में पाउंड बोला जाता है। एस सबको पता है क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये एफ क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, एफ इंडिकेट कर रहा है लेंथ को, एफ क्या चीज इंडिकेट कर रहा है लेंथ को। यानी सबसे पहले जो निर्माण हुआ यूनिट का, सबसे ज्यादा जरूरत हम लोग को भी किसका पड़ता है, हम लोग को डेली लाइफ में सबसे ज्यादा किसका जरूरत पड़ता है, लेंथ का है ना। तो जितना जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से क्या आता है, पर डे लेंथ मेजर करना पड़ता है ना।
तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये निकला कि ये सामान वहां फिट बैठे या नहीं बैठे, तो उसके लिए आया फुट। इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई साइंटिस्ट पुराने जमाने का एक फिक्स कर लिया होगा, देखो इसको जो है ना आज से ऑल ओवर वर्ल्ड में फिट बोलना है। कोई ना कोई रेडिया कोई स्केल या कोई भी चीज हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो रखा हो, है ना, कोई ना कोई म्यूजियम में रखा हो। तो फुट जो हो गया वो सबसे पहले एक अंदाज से बताते हैं कि फुट होता कितना है। यहां से लेकर के यहां तक ये 1 फीट होता है, यहां से लेकर के यहां तक क्या होता है 1 फीट होता है। फिर जलप्रवाह किसका, हम लोग को जो पड़ता है तुम देखो डेली मास का कितना किलो चीनी है कितना किलो चावल है, तो ये मास मेजर करने के लिए आया पाउंड पाउंडर, है ना। तो सबसे पहले पाउंड आप फिर जब का समय कितना लेट हो रहा है कितना क्या हो रहा है जरूरत के हिसाब से, तो वो सेकेंड कॉमन रहेगा। तो ये फुट हो गया ये पाउंडर हो गया। फुट को एफटी से लिखते हैं लेकिन पाउंड को पता है एलबी से लिखते हैं। एलबी से इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बना है लिब्रा से, इसलिए एलबी से लिखते हैं। तो पाउंड को लिखना पी से नहीं है, किससे लिखना है एलबी से, लिब्रा वर्ड से बनता है, है ना। यहां पे इसको लोग एलबी से लिखे एस फॉर सेकेंड। कुछ एक कन्वर्जन यहां पे बता देते हैं 3.28 फिट जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है, यानी 3.28 फिट करोगे तो वो 1 मीटर होता है। पाउंड में मेजर करते हो तो आइसक्रीम केक जो केक होता है वो नॉर्मली मेजर किया था पाउंड में, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो भी पाउंड में होता है। तो 1 पाउंड इक्वल टू 450 ग्राम, 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है, यानी आधा किलो से भी कम ये हो गया। तो सबसे पहले यही सिस्टम आया, फिर आया सीजीएस, फिर से लेंथ किया है, यानी उसके बाद कुछ दिन बाद हो सकता है सालों बाद फिर लेंथ ही आया। देख लो यहां पे, लेकिन इस बार लेंथ किसे मेजर किए हम लोग सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि फुट इतना बड़ा हो गया। अब छोटा छोटा चीज नापना होगा तो कैसे नापेंगे, तो उसके लिए क्या हो गया छोटा यूनिट यूज किया गया कि नहीं अब सेंटीमीटर भी होगा। तो छोटे चीज को नापने का उपाय नहीं होगा क्योंकि फिट था पहले, अब क्या होगा छोटा चीज नापने के लिए उपाय किया गया सेंटीमीटर लगाया गया छोटा छोटा सामान। अब पाउंड भी तो ज्यादा था तो छोटा सामान होगा, अब इलायची नापना है तो कैसे होगा, इसके लिए आया ग्राम। और ये सेकेंड, ये तो कॉमन है सेकेंड। तो फिर से लेकिन यही चीज है, पहले भी लेंथ मास और टाइम मेजर करने का था और उसके कई सालों बाद फिर से लेंथ मास और टाइम ही है, अभी भी लेंथ और मास टाइम ही यही तीन चीज हुआ है जिसका जरूरत पड़ रहा है। फिर कुछ सालों बाद फिर आया एमकेएस, एमकेएस मतलब एम फॉर मीटर। एक चीज और, 1 मीटर का स्पेलिंग ऐसा होता है और 1 मीटर का स्पेलिंग ऐसा होता है METER। ये मीटर हम लोग तब लिखेंगे जब कोई डिवाइस होगा, जैसे पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर एम मीटर है ना गैल्वेनोमीटर, तो वहां पे ये मीटर होगा, यानी जब कोई डिवाइस होगा तो ये मीटर, जबकि METER जबकि लेंथ बड़ा होगा तो METRE करना है। तो ये हो गया था छोटा, ये हो गया था मॉडरेट मतलब बीच में। अब क्या होता है बड़ा चीज नापना है तो हम लोग क्या किए बड़े स्केल का यूज किए, फिर मीटर आया फिर किलोग्राम आया, टाइम तो हर समय सेकेंड ही रह गया। लेकिन एक चीज है फिर से अभी भी लेंथ और मास और टाइम ही है, अभी भी लेंथ है मास है और टाइम ही है ना, यानी इतने साल बीतने के बावजूद भी हम लोग 3 ही यूनिट पढ़े हैं, यानी ये पहले आया फिर छोटा चीज नापने के लिए आया फिर उससे बड़ा चीज नापने के लिए आया, तो इस तरह से चलते गए। लेकिन अब क्या होता है नया नया इन्वेंशन होते गया नया नया खोज होते गया, है ना। तो जैसे क्या होता है किसी भी सिस्टम को तुम अगर मोबाइल खरीदते हो तो अपडेट करते हो कि नहीं करते हो,
ऐसे अपडेट किया जाता है। जैसे अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे क्या है ना कि पहले सिर्फ चैटिंग होता था टेक्स्ट में सिर्फ, फिर क्या हो गया ऑडियो भी जाने लगा, फिर क्या हो गया वीडियो भी जाने लगा, फिर पीडीएफ एक्सेल, धीरे धीरे क्या हो गया व्हाट्सएप अपडेट होते गया, वीडियो कॉलिंग होने लगा। तो इसका मतलब हमको मोबाइल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा, हम क्या किए सॉफ्टवेयर अपडेट करते चले गए और हमको नया नया फीचर ऐड होते गया, लेकिन एक क्या पुराना फीचर तो रहेगा। तो अगर तुम अपडेट करते हो तो कोई भी चीज को अपडेट करने से पुराना फीचर होगा ही, नया अगर कोई खोज हुआ है तो वो उसमें जुड़ जाता है। तो तुम यहां पे देखो तो इसके जस्ट पहले लेंथ मेजर करने के लिए क्या था, लेंथ मेजर करने के लिए मीटर था। लेंथ किसमें नापते थे लोग, मीटर। फिर मास किसमें मेजर करते थे, किलोग्राम। और टाइम किसमें मेजर करते थे, सेकेंड। ये हो गया एक तरह से पुराना वर्जन, ओल्ड वर्जन। अब क्या हो गया, नया नया रिसर्च हुआ, नया नया चीज आया, तब कुछ एक चीज ऐड होते गया, तब इसका नाम रख दिया गया एस आई सिस्टम। एस आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट की तरह से होते। तो ये पुराना हो गया। अब इसमें नया नया खोज हुआ, तो जो जो खोज होगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर, अभी तक इसके पहले टेम्परेचर नापने का कोई भी यंत्र नहीं था, कोई भी डिवाइस नहीं था, और हमको उतना जरूरत भी नहीं पड़ा था। लेकिन अब क्या है, जरूरत पड़ने लगा कि नहीं हमको टेम्परेचर भी मेजर करना है। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए केल्विन नाम का साइंटिस्ट है और वो अपने ही नाम से यूनिट बना दिया है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, केल्विन, है ना। तो टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट क्या हो गया, केल्विन हो गया। तुम पूछोगे डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट क्या है, तो डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट की तरह से, एक्सपेरिमेंटल यूनिट की तरह से। हमको डेली बेसिस में कई तरह का यूनिट होता है, क्विंटल, तो क्विंटल ऐसा यूनिट थोड़ी, ऐसा यूनिट तो किलोग्राम है। तो कई सारे प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो डेली बेसिस में हर जगह अलग अलग होता है ना, तो वो अलग है ऐसा यूनिट। लेकिन टेम्परेचर क्या है, केल्विन है। डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट ऐसा यूनिट नहीं हो सकता है ना, वो कन्वर्जन है एक तरह से, हम बदल सकते हैं, है ना। फिर आया करंट, चूंकि तब तक बिजली बना नहीं हुआ, तो समझ में आएगा इतने दिनों तक बिजली बना नहीं होगा, जब तक ये तीनों यूनिट सिस्टम होगा इस सिस्टम में बिजली नहीं बना होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, है ना, तब फिर जो है यूनिट आ गया। तो करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट है, फैराडे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, मेन क्रेडिट जो है फैराडे को जाता है। लेकिन फैराडे और एम्पियर दोनों मिलकर जो है कई सारा काम किया था, है ना। तो एम्पियर्स हो गया, करंट का हो गया एम्पियर, टेम्परेचर हो गया करंट हो गया, उससे रहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये केमिस्ट्री में ज्यादा आ गया तुमको, वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एम ओ एल ई भी लिख सकते हो और एम ओ एल भी लिख सकते हो, दोनों स्पेलिंग सही। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वैसे केमिस्ट्री के पीछे ज्यादा अच्छे से बताया गया तुमको, किलोग्राम और मोल में क्या बेसिक डिफरेंस है हम तुमको ऐसे बताते हैं। अगर तुमको एक बैग यानी एक बोरा चावल है और उसको नापना है, उसको मेजर करना है, तो तुम क्या कि तराजू पे यानी कोई भी मेजरिंग डिवाइस पे रख दी और हम उसको मेजर कर सकते हैं। यानी हमको बोले मेरे फादर या गार्जियन कि जरा से नाप लो तो एक बोरी जो एक बोरा चावल है उस कितना किलो चावल है, तो तुम तुरंत तराजू पे रखे और नाप दिए तो बोले कि एक क्विंटल चावल है यानी 100 kg चावल है, तुरंत बता दो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे गार्जियन तुमको बोलते कि बताओ उसमें चावल का कण कितना है यानी पार्टिकल कितना है उसमें चावल का, तो तुम कभी नहीं करते उस काम को, बड़ा मेहनत वाला काम है। यानी चावल नापने बोलेगा तो तुम 2 मिनट में नाप के रेडी हो जाए, लेकिन गिनने बोलेगा काउंटिंग करने के लिए चावल कितना है, तब तो दिक्कत है। तो वो वहां पे
तो ये हो गया उसका टोटल का मेजरमेंट, मास मेजर करेगा उसका, और ये उसमें कितना है वो पार्टिकल वो मेजर करेगा, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है, एक पूरा चैप्टर ये बेसिकली तुमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोल केमिस्ट्री टीचर पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में मोल, है ना। तो ये हो गया मोल। फिर एक आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वैसे ये तुमको आएगा नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका होता है कैंडेला। इंटेंसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में अंतर होता है। इंटेंसिटी बोलते हैं पावर बाय एरिया को, तुम नॉर्मल वे में समझो, इंटेंसिटी को हिंदी बोलते हैं तीव्रता। जो भी चीज तुमको आंख पर चुभे तो समझ लो कि उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, जो भी चीज तुमको कान में चुभे तो समझ लो उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बल्ब है या ट्यूबलाइट है, हम अपने रूम में देखते हैं सफिशियंट रोशनी करता है, एकदम पढ़ लिख रहे हैं आराम से, लेकिन उसी ट्यूबलाइट को अगर बहुत बड़े हॉल में लगा देंगे तो एकदम कम रोशनी हो जाएगा। तो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्यूबलाइट रोशनी तो उतना ही कर रहा था, लाइट उतना ही कर रहा था जितना रूम में कर रहा उतना ही हॉल में कर रहा है, लेकिन हॉल में हमको अंधेरा दिख रहा है, रीजन क्योंकि वहां का एरिया ज्यादा है। यानी इंटेंसिटी दो चीज पर डिपेंड करता है, पावर पे, कितना वाट का वो ट्यूबलाइट है, और दूसरा कितने एरिया में वो स्प्रेड होना है, कितने एरिया में फैलना है, दो चीज पे। तो ये चीज यहां पे, जैसे स्पीकर, अगर छोटा स्पीकर घर में बजा रहा है बहुत अच्छा बजेगा, लेकिन वही स्पीकर अगर बहुत बड़े हॉल में या संदेश कंपाउंड में अगर बजाएंगे तो सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि वहां पे एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब दूसरा डिपेंड करता है पावर पे, अगर 100 वाट का बल्ब उसको देख रहे हैं आंख से तो आंख पे लाइट जो है पड़ रहा है, लेकिन वही 200 वाट का अगर दे देंगे तो आंख पे और ज्यादा लाइट पड़ने लगेगी, तो बोलेंगे नहीं 200 वाट का क्या है, ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। छोटा स्पीकर आराम से आवाज देगा, बढ़िया आवाज देगा, लेकिन अगर बड़ा स्पीकर होगा तो और ज्यादा आवाज देगा। तो बड़े स्पीकर में क्या चीज ज्यादा हो जाता है, पावर ज्यादा हो जाता है, और पावर अगर ज्यादा हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी दो चीज पर डिपेंड करता है, पावर पे और एरिया पे, जबकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी एकदम अलग चीज है ना। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है और अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, ना कहीं 11 12th कहीं आना है, पूरे 11 12th में कहीं पे भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको नहीं आएगा, है ना। हम आपको इस इंटेंसिटी इसलिए बताएं क्योंकि इंटेंसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी अलग अलग चीज होता है। तो ये बेसिकली पार्ट है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये पुराना हो गया और कुछ एक चीज नया जुड़ा, ये हो गया न्यू एक तरह से, इसलिए हम इसको बोले अपडेट करना, अपडेट कर दिए। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ यूनिट कितने तरह का होता है, तो यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब जो चीज एकदम बेसिक होगा और हमको पता नहीं कहां से आया होगा, बड़ा एकदम सिंपल वे में, जैसे अगर हम बोले कि इंग्लिश में फंडामेंटल लेटर कौन सा है, तो सबको जानता है ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है, लेकिन ए चीज फंडामेंटल क्यों बोले, क्योंकि ए कहां से आया किसी को नहीं पता है। आपने या हमने कभी अपने गार्जियन से नहीं पूछा, हमको रटवा दिया गया ए बी सी डी से लेकर जेड तक, लेकिन हम कभी भी गार्जियन से नहीं पूछे कि पापा ए कहां से आया, बी कहां से आया, सी कहां से आया, नहीं पूछे। लेकिन उसके बाद अगर एप्पल है तो समझ में आता है, बॉय है तो समझ में आता है, एप्पल मतलब सेम हो गया, उसका स्पेलिंग ही हो गया, उसका रीजन है, लेकिन ए से जेड तक कहां से आया उसका कोई रीजन नहीं है। और अगर आप अभी भी जाके पूछेगा तो गार्जियन नहीं बता पाए, तो वो डे बाय डे करके रिसर्च कर गया है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल। यानी फंडामेंटल चीज को आपको याद रखना होगा, जैसे आप ए से जेड तक या ओ आ हर्षई दीर्घई से लेकर के अक्षर द्रव्य ज्ञ तक याद रखे, तो वैसे ही फंडामेंटल। यानी अगर आप हमसे पूछेगा कि सर ये फूट कॉल लाया पहली बार, तो हमको नहीं पता फूट कॉल लाया, लेकिन एक चीज कोई ना कोई लाया होगा, ये बात भी पक्का है, है ना, कि इसको एक फुट बोलना है, इसको एक पाउंड बोलना है, इसको एक सेकंड में, यानी ये एक तरह से आपको याद रखना है, इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल, है ना। तो सबसे पहला यूनिट कौन सा है, सिस्टम, सिस्टम मतलब एक से अधिक के आंकड़े, एफपीएस सिस्टम, क्या क्या चीज मेजर की, लेंथ फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकंड। फिर आया सीजीएस, छोटे छोटे चीज को नापने के लिए, सेंटीमीटर लेंथ किसमें मेजर करेंगे, सेंटीमीटर मास किसमें, ग्राम में, टाइम किसमें, सेकंड में। फिर आया एमकेएस, एमकेएस और एसआई अगर आप देखिएगा तो एक ही चीज है,
यानी लेंथ मीटर में है, एसआई में भी मीटर में, मास किलोग्राम में, इसमें भी किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में, टाइम सब में सेकेंड में, वैसे ही है। यानी ये हो गया एसआई का ही, बाद में एसआई बन गया। और बाकी चार चीज अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा सात चीज हो जाता है, इसको एसआई में बोल देते हैं ना। एमकेएस को ही अपडेट कर दिए, यानी एमकेएस में कुछ एक चीज जोड़ दिए तो क्या बन गया एसआई, आप ऐसे समझिए। तो ये पूरा कंप्लीट इस तरह से। अगर कभी भी कोई पूछे कि बताओ करंट का क्या होता है सीजीएस यूनिट, तो एक चीज जान लेते, करंट का सीजीएस यूनिट या टेम्परेचर का सीजीएस यूनिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस जमाने में टेम्परेचर नापने का कोई यंत्र नहीं था मेरे पास। इस जमाने में तीन ही चीज नापने का, लेंथ, मास और टाइम। इस जमाने में तीन ही चीजें, लेंथ, मास और टाइम, इस जमाने में तीन ही चीजें। यानी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ होगा, मास होगा और टाइम होगा, यानी इन तीन चीज से जो मिलके बना हुआ, लेंथ, मास और टाइम, उसी तीन चीज का सीजीएस, एमजीएस और एफपीएस हो सकता है ना। लेकिन जिसमें टेम्परेचर आ जाएगा, करंट आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, उसका कभी भी सीजीएस और एमजीएस ऐसा ही नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल फोर्स, फोर्स का अभी सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही चीज सीखेंगे। फोर्स का ऐसा ही न्यूटन होता है, उसका न्यूटन जो होता है उसको बोलते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो इसमें लेंथ है, मास है और टाइम है, इसलिए इसका ऐसा ही होता है। इसका सीजीएस भी हो सकता है क्योंकि इसमें लेंथ है, मास और टाइम है, जिसको आप टाइम बोलते हैं। तो फोर्स का सीजीएस इसलिए हो पाया क्योंकि वो तीन ही चीज से मिलकर बना। एनर्जी का सीजीएस इसलिए हो पाएगा क्योंकि वो तीन ही चीज से बना, लेंथ, मास और टाइम से। लेकिन ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इन सब ये टेम्परेचर करेंट अगर आ जाएगा तो उसका सीजीएस नहीं हो सकता है ना। ये इसमें आगे प्रॉब्लम है। तो ये फंडामेंटल हो गया यूनिट का, है ना। और आगे चल पाएंगे इसके आगे कैसे कैसे काम करेंगे, कन्वर्जन आएगा धीरे धीरे, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे में, कैसे यूनिट निकालेंगे, ये सारा चीज एकदम आसान सा है, अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। कोई डाउट नहीं होने देंगे जल्दी, है ना। और अगर किसी को डाउट होगा तो हमको कमेंट कर सकता है या मेरे को हमको व्हाट्सएप भी कर सकता है, हम उसको पूरा डिटेल करके बता देंगे, है ना। ओके, थैंक यू।